अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 321 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बंद रही। इंडेक्स 40,126 सतह के करीब बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 46.8 मिलियन का काम KSE 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि KSE ऑल शेयर के अंदर 79.8 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 2.5 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम को हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस डे से तो वॉल्यूम्स कुछ बेहतर लगे हैं, ओवरऑल स्टिल एवरेज वॉल्यूम से थोड़े कम हैं। मजीद अगर हम देखते हैं आज की मार्केट को तो आज की मार्केट में इंडेक्स ने लो लगाया 39,804 का और हाई लगाया 40,172 का, और मार्केट जो है वो अपने हाई साइड के पास आज बंद होती हुई नज़र आई। अगर न्यूज़ को देखते हैं तो न्यूज़ जो मार्केट में गर्दिश कर रही थी वो ये थी कि UAE की तरफ से $1 बिलियन की फाइनेंसिंग की उम्मीद है इस हफ्ते में उसका कंफर्मेशन मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो हम IMF प्रोग्राम जो डिले हो रहा है वो होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल IMF की डिमांड थी $3 बिलियन की फाइनेंसिंग की, जो है वो आपको कंफर्मेशन लानी है। $2 बिलियन की जो कंफर्मेशन है वो सऊदीया ने दे दी थी, $1 बिलियन बाकी थी, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते में उसकी भी कंफर्मेशन आ जाएगी, और अगर ये हो जाता है तो हम IMF प्रोग्राम के काफ़ी करीब आ जाएंगे, और फिर वंस अगेन IMF की तरफ से भी फिर हम लोगों को जो ट्रांच है $1.2 बिलियन का वो भी रिलीज हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारी इकनॉमी के लिए ये बहुत बेहतर साबित होगा। तो ये न्यूज़ थी जिसकी वजह से हम देख रहे थे मार्केट के अंदर आज परफॉर्मेंस भी बनी रही, और ओवरऑल आज मार्केट के अंदर हमने मुस्बत एक्टिविटीज़ देखी। मजीद अगर हम डेली एक्टिविटी के ऊपर टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स को देखते हैं तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर का स्टॉक रहा वो सिस्टम्स का रहा। सिस्टम्स ने तकरीबन 79 पॉइंट्स आज के मार्केट के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया। आज इसके अंदर हम लोगों को इसलिए एक्टिविटीज़ देखने को मिली क्योंकि कल के दिन आफ्टर मार्केट अब मार्केट के बाद जो है उसकी जो है एक अनाउंसमेंट आई थी कि जो इसकी मीटिंग है वो 18 अप्रैल को होगी, और उम्मीद करते हैं कि जाहिर सी बात है ये ईयर क्लोजिंग है टेक्नोलॉजी सेक्टर का, तो हम उम्मीद करते हैं कि इनकी अर्निंग्स अच्छी आनी है, क्योंकि मेजॉरिटी अर्निंग्स टेक्नोलॉजी सेक्टर की डॉलर के थ्रू होती है, क्योंकि इनका मेजॉरिटी बिजनेस पाकिस्तान से बाहर होता है, इनका एक्सपोर्ट बेस्ड बिजनेस है जिसकी वजह से इनके रेवेन्यूज डॉलर्स में होते हैं, तो इसलिए अच्छे रिजल्ट की उम्मीद पे इसके अंदर हम लोगों को एक्टिविटीज़ जो है मुस्बत एक्टिविटीज़ देखने को मिली। उसके बाद PPL और OGDC के अंदर हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, जिन्होंने अगर आप कम्युनिटिवली बात करते हैं तो तकरीबन 71 पॉइंट्स के करीब पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया, जहाँ HBL 29 पॉइंट, EFERT 23 पॉइंट, UBL 19 पॉइंट, मीज़ान बैंक तकरीबन 17 पॉइंट, FFCB 16 पॉइंट, POL 14 पॉइंट, FABL 12.5 पॉइंट, हबको 10 पॉइंट, और आगे आप देख सकते हैं TRG, SNGP, MCB और सरले है जिन्होंने कुछ कुछ मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूट किया। जहाँ डिक्लाइन साइड पे बात की जाए तो HMB का स्टॉक तकरीबन 8 पॉइंट के करीब नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करता रहा, तो MTL, EPUG, मारी, दाऊद हरक्यूलस, एंग्रो, पार्क टोबैको, EPCL, नेस्ले, लक, सिनर्जी, ICI, IGIHL, AICL और सेंचुरी पेपर बोर्ड के स्टॉक्स हैं। अब अगर हम बात करते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स की, तो आज के दिन जो टॉप एक्टिव स्टॉक रहा वो KE Electric का स्टॉक रहा, इसके अंदर तकरीबन 84 लाख का काम हुआ। उसके बाद WTL का स्टॉक 1 पैसे पॉजिटिव रहा, इसके अंदर भी तकरीबन 41 लाख का काम हुआ। फिर PPL तकरीबन 2.13 रुपीज़ पॉजिटिव रहा 3% के साथ, इसके अंदर तकरीबन 37 लाख का काम हुआ। सिनर्जी 3 पैसे नेगेटिव रहा, सिल्क बैंक 7 पैसे पॉजिटिव रहा, MLCA 12 पैसे पॉजिटिव रहा, OGDC 1.80 रुपये पॉजिटिव रहा, और पेसल बैंक 1.18 रुपये पॉजिटिव रहा, BPCL 29 पैसे नेगेटिव रहा, और TomCL 1.44 रुपये के साथ 22.5 रुपये के पास क्लोजिंग आई। चाहे टॉप एडवांसर्स की बात की जाए तो मोस्टली इधर हम इलिक्विड स्टॉक्स देख रहे हैं, एक है जैसे टावलर जिसको मुसलसल कैप लग रहा है, इसके अंदर तकरीबन 58,300 का काम हुआ, बाकी तो तकरीबन सभी इलिक्विड स्टॉक्स है। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे बात की जाए तो इधर कुछ लिक्विड स्टॉक आपको देखेंगे, जैसे हो गया आपका ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकरेज लिमिटेड, इसके अंदर तकरीबन 1 मिलियन का काम हुआ। फिर पार्क एग्रो पैकेजिंग हो जाता है, और बाकी तो मोस्टली इन लिक्विड स्टॉक्स हैं। जहाँ इंटरनेशनल मार्केट में सबसे पहले कमोडिटीज़ को देखते हैं तो क्रूड ऑयल इस वक्त $81.74 के पास 21 सेंट पॉजिटिव चल रहा है, जब गोल्ड भी $7.5 पॉजिटिव है 2026 के पास। जब वर्ल्ड मार्केट्स की बात करते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 222 पॉइंट इस वक्त प्लस है,
जहाँ यूरोपियन मार्केट्स के अंदर इस वक्त हम मोस्टली पॉजिटिव एक्टिविटीज देख रहे हैं। अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट आ सकती है। तो देखिए, मैं मौजूद हूँ इस वक्त KC 100 इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर, और इधर आप सबसे पहले जो एक चीज़ नोटिस करेंगे वो वॉल्यूम्स के अंदर बेहतरी है। वॉल्यूम्स के अंदर हमने देखा प्रीवियस जो दो दिन के वॉल्यूम लग रहे थे, मार्केट ने उन वॉल्यूम्स को ब्रेक किया है, साथ ही में एक पॉजिटिव क्लोजिंग भी आई है मार्केट की। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं मुसलसल, अगर पीछे आ जाऊँ तकरीबन 16 मार्च जब मार्केट ने हाई लगाया 42,119 का, और उसके बाद एक मार्केट के अंदर शार्प गिरावट आई, और फिर मार्केट ने एक लो लगाया 39,687 का। तो ये जो मार्केट ने लो लगाया उस वक्त हम यही देख रहे हैं कि मार्केट इस लो के पास ही अभी अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है। अगर मैं इधर छोटा सा रेक्टेंगल बना दूँ तो आपको समझ में आएगा कि इस लेवल के पास मार्केट स्ट्रांगली कंसोलिडेट कर रही है अपने आप को बॉटम के पास, और यूजुअली बॉटम के पास कंसोलिडेट करना मार्केट के लिए मुस्बत साबित होता है। एनीवे, ये तो थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू हो गया, लॉन्ग टर्म से बाद मिड टर्म व्यू, मोस्टली 1 और 2 वीक्स का ये व्यू होता है। एनीवे, अगर हम आज की कैंडल क्लोजिंग की बात करते हैं तो कैंडल बहुत ही पॉजिटिव क्लोज रही है, बुलिश कैंडल क्लोज रही है, मार्केट अपने हाई के पास बन रही है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो अब मार्केट का पैटर्न बन रहा है वो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि डेफिनेटली मार्केट के लिए एक बुलिश एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसके अंदर एक रेड कैंडल होती है, फिर एक छोटी सी डोजी कैंडल होती है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आपकी बुलिश कैंडल होती है। तो अगर आप देखेंगे ये जो तीन कैंडल्स है ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न से रिजेंबल करते हुए नजर आएंगे, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मॉर्निंग स्टार पैटर्न अगर बॉटम पे बनता है तो डेफिनेटली जो उसकी आप कह लीजिए प्रोबेबिलिटी होती है विनिंग की वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। एनीवेज, अगर हम चलते हैं आवर्ली टाइम फ्रेम पे, तो देखिए मैंने लेवल्स आप लोग के लिए निकाल के रखे हैं। इस वक्त जो मार्केट का ये 15 मिनट पे हूँ मैं, इस वक्त जो मार्केट का इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो होगा 40,200 का, 210 से 220 का लेवल। कल के दिन जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक और इसके ऊपर सस्टेन करे, अपने आप को इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे आर्ली टाइम फ्रेम में, या हाफ आवर मतलब आधे घंटे के टाइम फ्रेम में इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो फिर हम मार्केट में वंस अगेन जो इंट्राडे बुलिश एक्टिविटीज़ है वो कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं, और फिर जो मार्केट का इमीडिएट जो लेवल होगा वो 40,350 का होगा, जो कि 150 पॉइंट्स का टारगेट होगा। उसके बाद जो मार्केट का नेक्स्ट लेवल है वो 40,472 का है, और उसके बाद जो अगला लेवल आएगा वो 40,620 का, और उसके बाद 40,740 के लेवल्स। ये सब है मार्केट के इंट्राडे लेवल, इंट्राडे में जो ट्रेड करता है ये उनके लिए लेवल्स है। जहाँ अगर मैं सपोर्ट लेवल की मार्केट के अंदर बात करूँ तो इमीडिएट सपोर्ट लेवल मार्केट का 40,050 के पास मौजूद है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो इसके नीचे मेरा मानना है कि कोई इंट्राडे बुलिश आपको लॉन्ग ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, एटलीस्ट जब तक मार्केट कोई अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक ना करते हैं। ये ब्रेक करती है तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल 39,900 और फिर 39,738 होना है। तो एनीवेज, जिस तरीके से मार्केट की क्लोजिंग आई है, हम उम्मीद तो यही करते हैं कि मार्केट जो है अपनी हाई साइड पे जो है जो बुलिश एक्टिविटीज है उसको कंटिन्यू करेगी। जैसे ही करके दिन इंशाल्लाह मार्केट 40,200 का लेवल ब्रेक करेगी, हम मार्केट के अंदर 40,350 से 600 तक की मूवमेंट देख सकते हैं कल के दिन। तो ओवरऑल मार्केट की क्लोजिंग भी बुलिश है, और यही शो करता है कि कल भी मार्केट इसी तरीके से बुलिश एक्टिविटी शो कर सकती है, और इंट्राडे में आपको ठीक ठाक स्टॉक्स के अंदर चांस मिल सकता है। ठीक है, तो लेवल्स मैंने आप लोगों को दे दिए गए हैं, लेवल्स के साथ आप लोगों को ट्रेडिंग करने आती है, कोई लेवल ब्रेकआउट होता है तो अगला ही लेवल आप लोगों का टारगेट होगा, चाहे वो नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो। नीचे एक मार्केट लेवल ब्रेक करेगी तो अगला ही लेवल आप लोगों का टारगेट होगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस लेवल जैसे ही 40,200 ब्रेक करेगी तो इमीडिएटली जो अगला लेवल होगा 40,350, ये आप लोगों का टारगेट होगा। इस तरीके से काम करना है, और जैसे ही 40,350 तोड़ेगी तो उसी के बाद वाला लेवल आप लोगों का दूसरा टारगेट होगा। तो स्टॉप लॉस और ट्रेल करते करते आप इन टारगेट्स को आसानी अचीव कर सकेंगे। अब जल्दी से हम कुछ इंट्राडे ट्रेड्स के ऊपर आ जाते हैं। इंट्राडे ट्रेड के ऊपर जो पहला स्टॉक है वो है OGDC। OGDC अगर 86 का लेवल ब्रेक करता है 85.95 के ऊपर अपनी आवर्ली टाइम फ्रेम में, या एटलीस्ट 15 मतलब आधे घंटे की टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो आपका जो पहला टारगेट बनेगा वो 86.86 का पहला टारगेट, और फिर जो दूसरा टारगेट होगा वो 87.56 का है। तो ये इंट्राडे बहुत अच्छी ट्रेड हो सकती है, मतलब कि गेन वाइज भी ये डिसेंट गेन बन जाता है। स्टॉप लॉस आप 85 के
नीचे लगा सकते हैं अगर इंट्राडे में टारगेट हिट ना हो और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता, तो कोई बात नहीं, आप इस ट्रेड को कैरी ऑन कर सकते हैं, मतलब कि बीट कल अगले दिन के लिए वेट कर सकते हैं, तो ये चलता रहेगा, ठीक है, जब तक आपका टारगेट या स्टॉप लॉस कुछ भी हिट ना हो जाए ये ट्रेड आपकी ऑन रहेगी। वैसे तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, इंट्राडे ट्रेड में ये मोस्ट लाइकली सक्सेसफुल हो सकता है, तो चांसेस है कल के कल ही आप लोगों का टारगेट भी हिट हो जाए। और 8750 के ऊपर अगर मजीद सस्टेन करता है तो बहरहाल मैं लेवल्स लिख देता हूँ ये इसके लिए जो आगे भी इसके अंदर ट्रेड करता है, मतलब कि इंट्राडे से मजीद इसको बढ़ा देता है, तो आगे के जो लेवल आएंगे वो 88.6 का लेवल और 89.79 या राउंड फिगर में 90 का लेवल समझ लीजिए। तो ये टारगेट्स आप इसके अंदर ले सकते हैं, स्टॉप लॉस 85 का लेना है इसके अंदर और टारगेट आपने इसके अंदर बनाना है। अच्छा याद आया, मेरी जो लास्ट वीडियो थी, जैसे मैंने पिछले दो दिन से मैंने गालिबन वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन उससे पहले जो मैंने लेटेस्ट जो वीडियो है इस वीडियो से पहले वाली, उसके अंदर भी OGDC का जिक्र किया गया था और आप लोगों को बताया गया था कि 84.50 से लेकर नीचे 83 तक आपने इसको जमा करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हमारी ट्रेड थी वो भी सक्सेसफुल रही जो लास्ट वीडियो में हमने जिसकी कॉल दी थी। एनीवेज ये तो मैंने अभी आप लोगों के साथ जिक्र कर दिया कैसे ट्रेड करना है, 86 के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, ठीक है। अगर आप 86 के ब्रेकआउट का वेट नहीं करते, पहले एंट्री लेना चाहते हैं, तो वही बात हो जाएगी, रिस्क बढ़ जाएगा और रिवॉर्ड भी डेफिनेटली बढ़ जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपने 85 का स्ट्रिक्ट लगाना है। अगला जो स्टॉक है हमारे पास वो एक पोजिशनल ट्रेड, मतलब कि मोस्ट लाइकली आप इसके अंदर एक महीना तो मिनिमम होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप करंट रेट पे बाय करते हैं, ब्रेकआउट पे बाय करते हैं तो नो डाउट आपको फौरी आपको मूवमेंट मिल जाएगी, लाइक हो सकता है विद इन अ वीक और टू आपको मूवमेंट मिल जाएगी। तो ये स्टॉक है GGL गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड। अच्छा इसके हवाले से बात करें तो सिंस दिसंबर 22, ठीक है, 21 दिसंबर 2022, ये हमें इसी लेवल के पास है, आज जो इसकी क्लोजिंग आई है ना 6.74 की आई है, अगर मैं आज दिसंबर 21st तो इसकी क्लोजिंग 6.72 की थी, मोर डील है सेम क्लोजिंग। और ये इस वक्त कंसोलिडेशन फेज के अंदर, स्पेशली इसने एक जो गिरावट की है वो कहाँ से की है, वो 13 रुपये के पास से की है, उसके अगेंस्ट अभी तक इसने एक लो लगाया है 5.50 रुपये, तो अभी ये उसी लेवल के पास इस वक्त फिलहाल की कंसोलिडेट कर रहा है 6.5 से लेकर 7.5 रुपये के लेवल के दरमियान। अच्छा अभी आप इधर एक फॉर्मेशन देखेंगे, अगर मैं इधर एक रेक्टेंगल बना लूँ ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको एक पैटर्न दिखेगा, वेल नोन पैटर्न है, वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे है आप देख सकते हैं कि एक ही नेकलाइन है, ये एक शोल्डर है, अगर मैं इधर एक सेकेंड पॉइंटर अगर हाथ में ले लूँ थोड़ा, तो आप ये देखिए कि 16 जनवरी के पास पहला शोल्डर, फिर 27 अब एंड ऑफ फरवरी में हेड मारा इसने अपना और एक और शोल्डर मारा है जो कि प्रीवियस शोल्डर को इसने मैच किया, जो कि 6.40 रुपये के पास बेसिकली रफली बन जाता है। तो अगर हम देखते हैं तो इस हिसाब से ये एक बुलिश पैटर्न है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो बियरिश होता है, लेकिन ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, मतलब कि उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो कि एक बुलिश डेफिनेटली होता है। तो इसके अंदर कैसे ट्रेड ली जा सकती है, मल्टीपल ट्रेड ऑप्शन, आप करंट ट्रेड पे बाय कीजिए इसको, स्टॉप लॉस आप लोग का किधर लगेगा अब वो 6.20 रुपये पे लगेगा डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग बेसिस पर। अगर ये 6.2 के नीचे क्लोजिंग देता है डेली टाइम फ्रेम पे तो आपने एग्जिट कर जाना, सिमिलर इजीली, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपने एग्जिट कर जाना। और जो आप लोगों का पहला इमीजिएटली जो पहला टारगेट है अभी 6.74 पे ना, तो आपका इमीजिएटली जो टारगेट है वो 7.2 पे, 50 पैसे का यहाँ पे टारगेट है, रफली 9% बन जाता है, 9% जो कि बहुत मतलब डिसेंट गेन है। और ये मैं उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट टर्म ही दिखा देगा, 2 हफ्ते में ही दिखा देगा, 2 से 2 वीक्स के अंदर ये टारगेट दिखा देगा, लेकिन हमें सिर्फ 9% के लिए नहीं जाना, हमें इसमें ज़्यादा अचीव करना है। वो कैसे अचीव होगा कि जिस दिन इसने इसकी 7.4 के ऊपर क्लोजिंग दी उस दिन हमें इसके अंदर एक बुलिश मूवमेंट दिखेगी और वो बन सकती है, मैं ये फिबोनाची लगाया और आप देख सकते हैं 7.29 के पास कैसा एक फिबोनाची नंबर लाई कर रहा है, और लाई तो कर रहा है साथ ही में प्राइस को आप देखिए उसके ऊपर कैसा रिएक्ट कर रहा है, मतलब कि ये जो फिबोनाची के नंबर है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है जो उनकी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए 7.4 के ऊपर जिस दिन इसने क्लोजिंग दी इसका जो हमें टारगेट बन सकता है वो 8.35 से लेकर 9.21 आपको लोगों का अगला टारगेट होगा, और उसके बाद जो फाइनल टारगेट होगा 10 रुपीज़ का टारगेट होगा। तो अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हैं, मैं अगर कैलकुलेट लगाऊँ प्राइस का, प्राइस से रेंज लगाऊँ,
करंट रेट से 6.7 से जो इसका पहला टारगेट है वो रफली 8-9% है, जैसे मैंने आप लोगों के साथ पहले जिक्र किया। उसके बाद जो अगला टारगेट है 8.32 रुपीज़ का, वो रफली करंट रेट से 23% का गेन बनता है। और उसके बाद जो 9.21 रुपये का टारगेट है वो करंट रेट से 36% बनता है। और जो फाइनल टारगेट है 10.08 रुपीज़ का, वो करंट रेट से रफली 50% बनता है। तो अगर आप देखेंगे इस हिसाब से ये ट्रेड पोजिशनल के लिए, जो बंदा एक या एक से तीन महीने के लिए मिनिमम होल्ड करता है, हो सकता है उससे ज़्यादा टाइम भी लगे, क्योंकि 50% गेन लेना मेरे हिसाब से पूरे साल में 50% गेन मिल जाए बंदे के लिए बहुत होना चाहिए। लेकिन स्टिल ये शॉर्ट टर्म, मतलब कि इतना लंबा भी तो अर्सा नहीं, लेकिन एक से तीन महीने के अंदर ये इंशाल्लाह गेन अच्छा खासा दिखा देगा। अभी इमीडिएटली आपने टारगेट लेना है स्विंग ट्रेड के लिए, मतलब एक से दो हफ्ते के अंदर 7.3 का टारगेट ले लीजिए, रफली 9% से ऊपर ही बनता है। इस हिसाब से काम करना है, तफसीलात आप लोगों को मैंने दे दी है, स्टॉप लॉस भी बता दिया है 6.2 का बनेगा, और जो आप लोग का अगला मेजर लेवल है वो 5.58 के पास है। जो बंदे होल्ड कर सकते हैं इसको, अपने स्टॉप लॉस को थोड़ी जगह दे सकते हैं, तो वो 5.6 तक भी जा सकते हैं। तो आप लोग का जो चांसेस होंगे टारगेट हिट करने के वो डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, RSI को देखे सब ओके है, और इसके अंदर एक मूवमेंट आप लोगों को देख सकती है। इस वक्त हम इसको इमीडिएटली इंट्राडे के लिए देख नहीं सकते, क्योंकि आजकल इसके अंदर वॉल्यूम्स कम लग रहे हैं, लेकिन जब लगते हैं तो फिर वो आप समझ लीजिए 60-65 लाख तक भी जाते हैं, क्योंकि आम है इसके लिए। फिलहाल तो आज सिर्फ 67,000 का काम हुआ है, तो इसके अंदर डेफिनेटली आप एक चांस ले सकते हैं। बाकी जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को पहले दिए अभी तक, मेरे हिसाब से किसी भी स्टॉक का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक आप लोगों को स्टॉक दिया अभी तक, किसी का भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, सब अपना टारगेट हिट कर चुके हैं या टारगेट के पास चल रहे हैं। जिसके अंदर आपको मुझे याद आता है NRSL दिया था आज, वो भी तकरीबन 2% के करीब पॉजिटिव था, तो उसके अंदर ट्रेड अभी भी इंटैक्ट रहेगी और इसके अंदर अभी भी बहुत गुंजाइश है। इमेज पाकिस्तान की भी गालिबन कॉल दी गई थी, तो अभी भी वो हमारे सपोर्ट लेवल के पास चल रहा है। इसका भी अभी तक स्टॉप लॉस लेवल हिट नहीं हुआ है, इसका तो स्टॉप लॉस लेवल बहुत दूर है। तो आप इमेज पाकिस्तान को लाजमी आपने देखना है, इस वक्त इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, स्पेशली जब इसका रिजल्ट की अनाउंसमेंट आनी है। कभी भी अनाउंस कर सकता है कि भाई हम बोर्ड मीटिंग अनाउंस करने वाले हैं, मतलब कि बोर्ड मीटिंग की डेट जब आएगी, जब भी इसकी अनाउंसमेंट आएगी, तो इसके अंदर भी एक मूवमेंट दिख सकती है। तो बेहतर है कि अभी से इसका जमा कर लिया जाए, ना कि उस वक्त वेट करें। सिमिलरली जो भी दूसरे स्टॉक्स, साजगार आप लोगों को दिया हुआ है, साजियो, वो भी स्विंग ट्रेड के लिए 1-2 वीक्स के लिए दिया गया है प्रीवियस वीक में। तो साजगार को डेफिनेटली चेकआउट करना है, साजगार के मैंने प्रीवियस वीडियोज में पहले बहरहाल ये लेवल्स और दिए गए हैं सब, तो उसके अंदर भी बहुत हाई पोटेंशियल है। रफली बता दूँ 44 रुपये का स्टॉप लॉस लगा है, यहाँ से टारगेट पहला है 46 का, इस वक्त 44 point something के पास है, 44.8 के पास है। आपने 44 का स्टॉप लॉस लगाना है, 44 के नीचे का 43.50 समझ लीजिए, टारगेट 46 का पहला है, 48.50 का दूसरा, बाकी मेरे हिसाब से 49.51 कुछ ऐसे रेवेन्यूज है, ये सब आप ले सकते हैं। तो साजगार के अंदर भी हाई पोटेंशियल मौजूद है। बाकी जो भी स्टॉक्स दिए गए डिले हो रहा है, क्योंकि मार्केट थोड़ी मूवमेंट, मार्केट के अंदर मूवमेंट कम देख रहे हैं, वॉल्यूम्स कम देख रहे हैं, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह सबके टारगेट हिट हो जाएंगे, जैसे हमारा प्रीवियस मंथ भी परफॉर्मेंस रही है, उससे पास में परफॉर्मेंस रह चुकी है। तो इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ, जो स्टॉक जो आप लोगों को दे गए उस पर खास तवज्जा देनी है, और जो बातें बताई जा रही है, लेवल्स बताए जा रहे हैं, उनको इग्नोर नहीं करना। अक्सर लोग ले लेते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, एग्जिट नहीं करते, और फिर वो स्टॉक नीचे जाता रहता है, क्योंकि वो लेवल्स बड़ी वर्किंग से निकाले गए होते हैं, वो टूटते तो नीचे के लेवल्स ऑटोमेटिकली रिवील हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। एनीवेज इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मुमताज़ वसीम PSX एनालिसिस से।